पेन फाइट एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया के हर एक स्कूल में हर एक बच्चा खेलता है, इंक्लूडिंग मी। भले ही इस गेम में कोई मैदान ना हो, कोई रेफरी ना हो, फिर भी इस खेल को क्लासरूम के अंदर बेंच के ऊपर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मजा ही कुछ और है। और लिटरली हम क्लास के स्टूडेंट्स टूर्नामेंट तक खेला करते थे, वो भी कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट नहीं, एकदम बड़ी वाली टूर्नामेंट, जहाँ पे दो तीन क्लास के स्टूडेंट्स यूनाइट होकर बैटल किया करते थे। जिसका एक एग्जाम्पल है मेरा पिछला वाला वीडियो, जहाँ पे हमने पहली बार स्कूल में पेन फाइट टूर्नामेंट किया था। भाई तुझे पता है ना टूर्नामेंट के बीच क्या हुआ था? हाँ ठीक है पता है मुझे, उस साले क्लास टॉपर की वजह से सर ने हमारी बहुत मारी थी। तो तुझे क्या लगता है कि हमने उसे छोड़ दिया था? मम्मी अब बोल बे टॉपर चौधरी, सर के सामने हमारी उंगली क्यों की? भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो। माफी? हमसे गुस्ताखी करने वालों की कभी माफी नहीं होती। अरियो सांभा जी 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 भाई, इसके हर एक छेद में पेन घुसा दे, आखिर इसे भी तो पता चले कि पेन से सिर्फ पेन फाइट नहीं, कभी कभार महफिल में दर्दनाक आराम भी दिया जा सकता है। तुम सबको लग रहा है कि आखिर मैं गड़े हुए मुंडे को क्यों उखाड़ रहा हूँ? ना मुन्ना ना, आज मैं आप सबको अपने स्कूल में हुई सबसे बड़े टूर्नामेंट की कहानी बताऊंगा, एकदम बड़ी वाली। कितना बड़ा? इतना बड़ा। इतना सा बड़ा? नहीं इतना बड़ा इतना। ओ अच्छा, इतना बड़ा तो तेरा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं बहुत बड़ा। एक मिनट, तू किस बारे में बात कर रहा है? तो बेसिकली ये वाली घटना हुई थी मेरे पिछले वाले वीडियो में दिखाए गए इवेंट से 2-3 हफ्ते बाद, यानी कि एनुअल फंक्शन से 2-3 हफ्ते बाद। उस दिन स्कूल में फोर्थ पीरियड के बाद टीचर्स मीटिंग था, तो फोर्थ पीरियड के बाद पूरा स्कूल खाली हो जाएगा, इसलिए हमने पिछले दिन ही डिसाइड किया था कि फोर्थ पीरियड के बाद हम लोग टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे, और कोई टीचर भी नहीं होगा हमारी मारने के लिए, क्योंकि वो लोग मीटिंग में ही बिजी रहेंगे। परंतु भाई साहब, रोज रोज एक ही जैसे पेन फाइट करके हम तो एक तरह से बोर हो चुके थे, वही 1v1 बैटल, एक मैच 10 पॉइंट का वगैरह वगैरह। इस बार तो हमें कुछ अलग ही करना था, परंतु भाई साहब करे तो करे क्या। और तभी अचानक एक बंदा खड़ा होकर बोला, चलो इस बार टीम बैटल किया जाए। और गेस करो कि वो इंटेलिजेंट बंदा कौन था? गेस करो। अबे और कौन, वो इंटेलिजेंट बंदा मैं ही था। आई एम द इंटेलिजेंट गाय, यू नो। क्या शुक्रिया, कैमरे के सामने बताने की कोई जरूरत नहीं थी। शुक्र माना कि तुझे कोई देख नहीं रहा है। एक्चुअली देख रहा है। कहाँ? वो देख सामने। तो फाइनली काफी ज्यादा सोचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि टूर्नामेंट होगी टीम बैटल में, और एक टीम में 4 लोग होंगे। क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे मिलकर टोटल 8 टीम बनाएंगे, और मैच होगा सर्वाइवल टाइप, यानी कि कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं होंगे। इसका मतलब कोई टीम अगर ओपोनेंट के टीम के चारों प्लेयर को टेबल से बाहर गिरा दे तो वो टीम जीत जाएगा। और भाई साहब, हम लोग इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो प्राइस तो जरूर होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर एक टीम को टूर्नामेंट पे एंटर होने के लिए 10 रुपए का बिस्किट लाना पड़ेगा, मतलब 8 टीम यानी कि 8 बिस्किट के पैकेट। और जो टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे ये 8 पैकेट प्राइस के तौर पे मिलेंगे। मुझे आज भी याद है, उस दिन मेरे पूरे शरीर में फुल एनर्जी दौड़ रहा था, खेल का नशा ऐसे चढ़ गया था कि रात के 2 बजे तक पूरा पेन फाइट प्रैक्टिस किया, सब कुछ सीख डाला, ओवरड्राइव, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव। क्या सिर्फ क्रिकेट में होता है क्या? पेन फाइट में नहीं हो सकता क्या? यार आखिर यहाँ पे तो नेपोटिज्म का चाल चलाना बंद करो। खैर, सुबह उठ के नहा धो के मम्मी का बच्चा बिल्कुल रेडी, जहाँ पे मेरा स्कूल लेट जाने का रिकॉर्ड था, आज वही बच्चा 10 बजने से पहले नहा धो के रेडी होके पूरा चकाचक। सुबह का ब्रेकफास्ट 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट किया, अरे आखिर मुझे फुल एनर्जेटिक भी तो रहना है। फिर घर से निकला, सीधा स्कूल पहुंचा, टीचर का लेक्चर सुना। ना लेक्चर गई भाड़ में, सारे बच्चे तो कतई पागल हो रखे थे एकदम। जैसे तैसे हमने फोर्थ पीरियड को खत्म किया, और जैसे ही फोर्थ पीरियड खत्म हुआ, सर के निकलने के 5 मिनट के अंदर ही अंदर हमने पूरे क्लासरूम को स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने गेम में एक रेफरी भी रखा था जो पूरे खेल को मेजर करेगा। अबे इसको कौन रेफरी बना था बे? और अब बारी आई अपने अपने टीम को इंट्रोड्यूस करवाने की, और कतई मैंने तो एकदम धासु टीम बनाई थी। सबसे होना प्लेयर और सबसे अच्छा डिफेंस करने वाला बाला, भाजा मस्त है उल्टा ये ना खेते पर आज बेस्ट एंगल प्लेयर शील, सबसे अच्छा स्पीड में मारने वाला और सबसे बेहतरीन खिलवाड़ अपना राजू, और आखिर में इस गेम में सबसे अच्छा खेलने वाला और गधे का बच्चा तुम्हारा बाबू। नहीं, वो तुम्हारे बाबू ने थाना था वाला बाबू नहीं। और इस बार हमने उस टॉपर चौधरी को बांध के रखा हुआ था ताकि साला वो इस बार सर को बुला के ना लाए, एकदम कड़े निगरानी में रखा था। उसके बाद शुरू किया हम लोगों ने अपना टूर्नामेंट। Effects. Yeah.
never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt. इतना खेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि फंटास्टिक बाबू के टीम को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। परंतु मेरे बाद अगर कोई स्कूल में सबसे अच्छा खेलता है तो वो अपने ही क्लास का शुभम। शुभम की टीम और मेरी टीम एट लास्ट फाइनल में पहुंच गई। दोनों की टीम आमने सामने, चारों तरफ एक खामोशी सी छा गई है। किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा, सारे लोग बस हमें ही देख रहे हैं। नहीं मतलब राजू का पेन ऐसे हवा में उड़ गया मानो जैसे राजू का पेन वहां पे था ही नहीं। पता नहीं यार क्या खा के आया था उस दिन। काफी कोशिश करने के बाद हम तीनों ने मिलके शुभम के बाकी तीन टीममेट्स को मैच से बाहर कर दिया। अब बस हमारे तीनों के सामने सिर्फ शुभम ही अकेला बचा हुआ था। अब तेरा क्या होगा कालिया? साले ने एक ही शॉट में दोनों को नीचे गिरा दिया। लगता है साले ने सुबह चमन ब्रश खाया था। सच बोलूं तो अब मेरी फट रही थी क्योंकि मैदान में मैं और शुभम ही सिर्फ बचे हुए थे। भाई साहब कितना टेंशन हो रहा था सिर्फ मुझे ही पता है। जैसे तैसे मैं खुद को डिफेंस कर रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी उस सिचुएशन पे जहाँ पे शुभम का पेन टेबल के बिल्कुल किनारे पे था और ये मौका मैं किसी तरह से गंवाना नहीं चाहता था। अगर मैंने शुभम का पेन टेबल के बाहर गिरा दिया तो मैं बन जाऊंगा पूरे क्लास का पेन फाइट योद्धा। Let's do this. Yeah! ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो चुका है, परंतु ना, अभी रुको जरा। जब मेरे चारों तरफ गम का माहौल था तभी एक बंदा दौड़ के आता है। भाई लोग जल्दी से खिसक लो, सर इसी तरह पा रहे हैं। कसम से मेरी जगह से हिला तक नहीं। सारे बच्चे सोच में पड़ गए, आखिर टॉपर चौधरी तो यहाँ है तो फिर सर को किसने बुलाया? तभी एक बच्चा बोलता है कि सर कभी कभार इसी तरह टहलने के लिए निकलते हैं। एक तो मेरे चारों तरफ गम का माहौल छाया हुआ है, ऊपर से जनाब जी टहलने के लिए निकले हैं। और क्या करें, हमारे पास अब 2 मिनट था भागने के लिए। शुभम अपना सारा प्राइस यानी कि सारे बिस्किट के पैकेट को अपने बैग के अंदर भर के रूम से बाहर निकल गया, परंतु वो गलती से अपना पेन टेबल के ऊपर भूल गया। अब भाई साहब बिस्किट तो नहीं मिली तो उसका पेन ही चोरी कर लेता है। तो मैंने उसका पेन अपने बैग में अंदर डाल के स्कूल से निकल गया। मुझे इतना पता है कि उस दिन कोई भी बच्चा सर के हाथों पकड़ा नहीं गया था। फिर उसके बाद स्कूल से सीधा घर लौटा, शाम को कहीं पे भी खेलने नहीं गया। ऑब्वियसली यार हारने के बाद पूरा मूड ऑफ था। फिर रात को मैं जब अपने बैग से अपनी बुक्स निकाल रहा था तभी मैं शुभम का पेन अपने बैग से बाहर निकाला। उसके पेन को हाथ में पकड़ते ही पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मानो जैसे एक साइड उस पेन का भारी हो। तो क्यूरियोसिटी में आके मैंने पेन के पिछले वाले साइड को खोला और भाई साहब मैंने जो देखा, साले ने अपने पेन के पिछले हिस्से में एक लोहे का टुकड़ा घुसा के रखा हुआ था। इसी वजह से उस पेन का वेट बाकी पेन की तुलना में थोड़ा भारी था। और अब जाके मुझे समझ में आया कि जब मैंने शॉट मारा था तब मेरा पेन उसके हल्के वाले साइड में जाके लगा था, एंड सिंस दूसरा वाला साइड भारी था तो हल्का वाला साइड घूम के वापस मेरे पेन पे ही लगा और इसी वजह से मेरा चाल मुझ पे ही भारी पड़ गया। हे भगवान, पता नहीं आपने कैसे कैसे इंजीनियर को पैदा कर दिया। और क्या ही कर सकते हैं, अब तक तो उसने सारे बिस्किट्स को खा के डकार तक मार चुका होगा। अबे थोड़ा धीरे से डकार मार, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो यही तक थी मेरी पेन फाइट की कहानी।
और हाँ, शुभम अगर तू इस वीडियो को देख रहा है तो यार प्लीज बुरा मत मानना, तेरा पेन आज भी मेरे पास है, परंतु इतना जान ले कि मैं तेरा पेन कभी भी वापस नहीं करने वाला, क्योंकि भाई बिस्कुट का मामला था, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लवली फैन आर्ट, सच में बहुत ही ज्यादा स्वीट है, तुम लोग एकदम बढ़िया से बढ़िया बनाई है, तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। और बाकी के लोग भी मेरा फैन आर्ट बना सकते हो, मतलब बनाओ यार, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों से मेरा तस्वीर कैसा बनता है, तो यार बना सकते हो, तुम ही फैन आर्ट बना सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, उसे जरूर ऐड करूंगा, मुझे भी आखिर देखना है यार तुम्हारे हाथों से मेरा फैन आर्ट कैसे बनता है, मतलब बनाओ यार मुझे भी देखना है, तो बनाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मुझे अपना फैन आर्ट बना के मुझे भेज सकते हो, हालांकि मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, फिर भी फैन आर्ट देखने में किसे मजा नहीं आता यार। तो हाँ, आज की वीडियो यहीं तक, बाय।